चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड अर्हनेस इक्वेशन हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे थे, है ना, वो इक्वेशन क्या है। तो अर्हनेस जो साइंटिस्ट है उसने एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी किया, और चूंकि अपना क्रैश कोर्स का पार्ट है तो इसमें हम लोग समय ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है गाइड करूँगा, बाकी तो अपने को ठीक है, पढ़ा हुआ है वैसे, ट्वेल्थ पास आउट है। अर्हनेस इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। ठीक, यहाँ पर के क्या होता है तो रेट कांस्टेंट, ए क्या होता है एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग फ्रिक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, जो कि पार्टिकल के बीच में कोलिजन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा। ए अगर ज़्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी फैक्टर। इसी के अंदर ई है, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ पर आर अपना गैस कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के टर्म में है इसलिए आर के लिए 8.3 लेते हैं हम लोग जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, टी अपना केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पर जो ई की पावर ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है फैक्टर। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द एनर्जी ग्रेटर और इक्वल देन एक्टिवेशन एनर्जी, अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि वे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट में बदलेंगे। प्रोडक्ट में कौन बदलता है, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी मिल जाती है उनको या उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ई टू पावर माइनस ई अपन आर टी इज फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल की संख्या जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ठीक, तो ये अपनी अर्हनेस इक्वेशन हुई। इस इक्वेशन का हम लोग लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड का, लेफ्ट का भी और राइट का भी, लॉग ले लिया बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, चलिए तो लेफ्ट का भी लॉग ले लिया, राइट का भी लॉग ले लिया। आपको पता होगा लॉग के अंदर एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग ये एन पूरा दोनों से इंटू वाला क्या होता है, प्लस में आता है, दोनों का लॉग क्या होता है, अलग अलग लग जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, जो पावर होती है वो कहाँ होती है, आगे आती है, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उठा के इसको आगे लेके आते हैं, माइनस का ई अपन आर टी क्या हो गया, यहाँ पर आगे आ गया। लॉग ई ई वन होता है, लॉग ए ए वन होता है, लॉग टेन टेन वन होता है, इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, लॉग ई को हम लोग क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। ठीक है ना, पता है ना लॉग टेन टेन तो वन होता है, लॉग टेन कितना होता है, वन होता है, लोग ए ए क्या होता है, वन होता है, कीप इन माइंड। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। इसको हमने वन लिख दिया, वन लिख दिया, हमने इसको क्या कर दिया, इंटू में वन है छोड़ दिया। ठीक है, ये जो लोग ई बेस है ये क्या होता है, नेचुरल लोग होता है, इसको हम लोग एल एन भी लिख देते हैं, एल एन, ये हमने एल एन लिखा, एल एन के, इसको एल एन लिखा, एल एन ए, ई अपन आर टू ऐसे लिखा। हम क्या करते हैं, वो अपना इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, लॉग के क्या रेट कांस्टेंट है, इसको वाई एक्सिस पे लिया, वन अपॉन टी इसको एक्स एक्सिस पे लिया। राइट है, तो ये वाई इसका टू एम एक्स, यहाँ एक्स है, इसका मल्टीपल क्या होगा, एम होगा, एम क्या होता है, स्लोप, स्लोप कितना है, माइनस ई अपन आर, स्लोप कितना है, कंपेयर करो, कंपेयर करो क्या आएगा, माइनस ई अपन आर आएगा, माइनस ई अपन आर आएगा, तो ये एम क्या हो गया, माइनस ई अपन आर, इट इज निगेटिव स्लोप, लाइन क्या आएगी नीचे की तरफ। चलिए सी क्या होता है, बिना वेरिएबल वाला, ना तो इसमें लॉग के है न यहाँ पे टी है, दैट इज सी, ये इट इज इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर कटा हुआ हिस्सा। ठीक, दैट इज सी, सी कितना हुआ, एल एन ए हुआ, तो मैंने ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पर एल एन के लिया, एक्स एक्सिस पर वन अपन टी लिया, स्लोप बनाया, स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट कितना आया, एल एन ए, y एक्सिस पे कटा हुआ हिस्सा, ये इंटरसेप्ट होता है ये वाला। ठीक, ये कितना आया, एल एन ए, और स्लोप निगेटिव, स्लोप कितना आया,
माइनस ए अपन आर। कीप इन माइंड ये जो ग्राफ बनाया अपनों ने ये नेचुरल लॉग और वन अपन टी के बीच है। एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हम लोग वन अपन टी और एल एन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप कितना आता है, तो वो कितना है माइनस ए अपन आर। ये नेचुरल लॉग के टर्म में। और दूसरी बात, अगर आपको स्लोप पता है, स्लोप पता है ना टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप अगर पता है तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर लॉग का टेन बेस लेते हैं तो हम लोग पता है आगे 2.303 निकल जाता है। यहाँ लॉग टेन लिया 2.3 निकला, लॉग टेन लिया 2.3 निकला, इसको ऐसा कैसे लिखा राइट 2.3 यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, सब जगह डिवाइड किया, तो यहाँ से 2.3 का हट जाएगा, यहाँ से 2.3 का हट जाएगा, लेकिन यहाँ अपान में आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, इसको ले वाई एक्सिस पर, इसको ले, इसको वन अपॉन टी को ले एक्स एक्सिस पर, तो एम कितना आ गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये अपना एम हो जाएगा। और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा लॉग टेन ए। ठीक, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको लिया वाई एक्सिस पर, लॉग टेन के को कहाँ लिया वाई एक्सिस पर, वन अपॉन टी को कहाँ लिया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर लिया। चलिए, तो इंटरसेप्ट कितना आएगा लॉग टेन ए, और स्लोप कितना आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर स्लोप। तो ऐसा ग्राफ अगर आता है जहाँ लॉग टेन के हो, तो स्लोप की सहायता से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पर ये था अपना अर्हिनियस इक्वेशन, और यहाँ पर इसमें कभी आपसे स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह पूछ सकते हैं, है ना। और इसी का एक और मॉडिफाइड जो फॉर्म होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है वो यहाँ से बोल लेंगे। इसी को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया था उन्होंने, कितना आया था लॉग के इजिकल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आया था। अगर टेम्परेचर टी वन ले लें, रेट कांस्टेंट के वन ले लेते हैं, और टेम्परेचर टी टू ले लें, रेट कांस्टेंट के टू ले लेते हैं। ठीक है, तब ये इक्वेशन नया फॉर्म हो जाएगा लॉग के टू अपॉन के वन इजिकल टू, ये आपका हट जाएगा, ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। हुआ क्या, इन दोनों वैल्यू को हमने बारी बारी से लिखी, पहले ये वाली पुट करेंगे फिर ये वाली पुट करेंगे, और जिसको माइनस के सॉल्व करेंगे तो लोग टेन ए क्या हुआ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना तरीका क्या है, के टू पर के वन। ठीक है, ये क्या है टी टू, क्या फाइनल टेम्परेचर के टू पर के वन टू वन आ रहा है, टी टू पर टी वन टू वन आ रहा है, याद रखना तरीका। नीचे क्या इन टू है, इसको दिक्कत ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ए अपन 2.303 आर आएगा, टी तो अंदर जा चुका है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इस फॉर्मूले पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि इफ क्वेश्चन इफ टेम्परेचर रेज फ्रॉम 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों को जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ना तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, बोला ये क्या है, बोला निकालना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और दिया क्या है, बोला कुछ भी तो नहीं दे रखा है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, लिखिए पहले इतना। चलिए, तो अपना क्वेश्चन जो था वो ये था कि जब हमने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके
35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब 10 डिग्री बढ़ाया है, तब बोला है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। थोड़ा सा ऐसा पाया गया है जिसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। जनरली ये देखा गया है कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो 2 to 3 times, 2 से 3 गुना तक हो जाती है। ठीक, कितना? जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी 10 डिग्री बढ़ाया है। रेट जो है लगभग हम लोग यहाँ पर 2 गुना लेंगे, अगर नहीं दिए तो अपन ऐसा कर सकते हैं। रेट डबल है, मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, डबल होगा। दैट इज K2 is 2 times देन K1। यू कैन राइट हियर K2 is 2 K1, तो K2 upon K1 कितना आएगा, 2। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 times वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा, है ना, वैसे पढ़ा भी उन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा उन्होंने, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया 298 केल्विन, और 35 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया अपना 308 केल्विन, 273 को प्लस कर दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर K2 upon K1 क्या लेंगे, 2 लेंगे, R की वैल्यू 8.3 लेंगे, और T2 अपना 308, और T1 कितना 298, T2 308 और T1 कितना 298, वैल्यू पुट कर दी। क्या करेंगे, ये के लिए चाहिए log 2 कितना होता है 10 बेस पर 0.301 होता है, 2.3 into आएगा, 8.3 into आएगा, 308 into आएगा, 298 into आएगा, और एक आएगा, ये जो माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 का आएगा डिवाइड हुए। जब इसको इंटू करेंगे इस टाइप से, 2.3 का 0.3 में इंटू किया, 2.3 कहाँ है, 2.3 है ना, 2.3 और 0.3 का इंटू किया उन्होंने तो कितना आया 0.069, फिर 8.3 का इंटू किया 0.069, 8.3 का इंटू किया कितना आया 0.573। ठीक है, 308 और 298 का इंटू किया कितना आया 9174। अब इंटू करना अपने को तो ये 91784 और 0.573 दोनों का इंटू किया कितना आंसर आया 52.52592.232। दैट इज जूल, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ में थी अपनी, जूल में थी। गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये जूल में आंसर आया। तो ये इनटू करना पड़ेगा अपने को, तो वैसे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो केवल इनटू का ही यूज़ हो रहा है, बाकी तो वैल्यू पुट करना है। मुश्किल से अगर 1 मिनट भी लगता है, कैलकुलेशन बड़ी है। ऐसी कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में मिलती है, सभी क्वेश्चन में ऐसी कैलकुलेशन नहीं मिलती है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, तो उसके लिए अपन 1-2 मिनट का टाइम खर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उसके कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कीप इन माइंड, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता है, रेयरली क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं उसको छोड़ दें। ठीक है, तो अपना एक्टिवेशन कितना है अपना 52592 जूल, या किलो जूल बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 52 किलो जूल, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन, अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कितना होता है 2 times। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मान लीजिए कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कैसा देते हैं कि मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है रेज किया जाता है 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए रेट कितना टाइम हो जाएगी, 100 10 डिग्री बढ़ाओ तो कितना टाइम हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कितने टाइम हो गई 2 time। चलो फिर 10 डिग्री बढ़ाओ तो फिर डबल होगी, थी कितनी 2, इसकी डबल करो ना, 2 की डबल कितनी 4 time हो जाएगी, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ 4 की डबल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी रेट, फिर 1 डिग्री बढ़ाया 8 की डबल कितनी हो जाएगी 16,
11 डिग्री बढ़ाया, 16 डबल कितनी जाएगी 32, फिर 10 डिग्री बढ़ाया 30 डबल कितनी जाएगी 64, फिर 10 डिग्री बढ़ाया 64 डबल कितनी 128, फिर 10 डिग्री बढ़ाया कितनी जाएगी 256, डबल कर लो इसका, फिर 10 डिग्री बढ़ाया 190 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया अपन लोग, तो इसका डबल करो 512, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 1024 टाइम्स, पसंद आए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन डबल 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 करते जाना आप लोग, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बोल देते हैं 10 डिग्री से बढ़ाया है 9 टाइम ही बढ़ेगा, कैसे 10 से बढ़ाया 20 किया 2 टाइम, शुरू कहाँ से करना है 10 डिग्री से करना है ना, ठीक है चलो तो क्या होगा बताइए, 20 पहुंच गए कितना टाइम हुआ 10 डिग्री बढ़ाने 2 टाइम हो गया, 20 से कहाँ पहुंच गया 30 पर तो कितना 4 टाइम, 30 से फिर 10 बढ़ाओ 8 टाइम हो जाएगा, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ 16 टाइम हो जाएगा, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ 30 टाइम हो जाएगा, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ 32 का डबल कितना होता है 64 होता है, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ कितना हो गया 128, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ 56, फिर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो 512 टाइम्स नॉट 1024, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जनरल सा क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी बुक के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और दोनों ही थोड़े से क्या है कि इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या है, एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसी चैप्टर का ये, इसके बाद हम लोग ये चैप्टर क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है, समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 4.26, क्वेश्चन 4.26 फॉर अ रिएक्शन k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू पावर 11 सेकेंड इनवर्स इंटू ई टू पावर माइनस 28,000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है अपॉन टी है, टी अपना केल्विन टेम्परेचर है, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे जैसे मान लो 300 केल्विन तो कैसे के क्या कट जाता है ना, इसलिए उस के का कोई मतलब नहीं है ना, वो केवल यूनिट के लिए है, राइट। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, क्वेश्चन सुन रहा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है के इज इक्वल टू दिस वन ई टू पावर दिस वन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हिनियस इक्वेशन लिखिए और कंपेयर कीजिए आपका आंसर निकल आएगा, के इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपन आर टी, ये अपना ए हो जाएगा ई टू पावर, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, इक्वल कर लो आपका आंसर निकल आएगा क्या है माइनस ई अपन आर टी इजकल टू माइनस 28,000 अपन की अपन टी। जब हम टी को यहाँ से काटेंगे ये टी जाएगा तो के भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन लोग करते हैं, एग्जाम की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, समय कम है क्रैश कोर्स के लिए और हमें जो है ज़्यादा आउटपुट चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4.26 वाला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि फॉर अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए हमें दे रखा है के इज इक्वल टू 4.5 10 पावर 11 ई टू पावर माइनस 28,000 के अपॉन टी, ठीक। चलिए ये जब इक्वेशन देखोगे और हमें पूछा गया है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, राइट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ई टू पावर टाइप से, ये अर्हिनियस इक्वेशन ही है, के इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये आपका के है, ये आपका पूरा ए हो जाता है जब हम कंपेयर करते हैं, ई टू पावर माइनस 28,000 के बाय टी
ई टू पावर माइनस ए बाय आर टी, जब कंपेयर करेंगे ई की पावर जो है इसको कंपेयर करेंगे ई की पावर से, पावर को पावर से कंपेयर किया, ये 20,000 के बाई टी माइनस वाला और माइनस ए बाय आर टी, दोनों क्या इक्वल किया, माइनस कैंसिल हुआ, ये जो टी होता है इसकी वैल्यू केल्विन में लिखी जाती है, और जब केल्विन में लिखते हैं तो के से के का कट जाता है, इसलिए इस के की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, ये केवल यूनिट को जो अपनी यूनिट होती है उसको मेंटेन करने के लिए लिखा गया है। तो जैसे टी से टी कैंसिल होगा तो ये वाला के इसके कारण क्या हुआ है, लैप्स हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, बोलो के की वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्या हो सकता है ना। चलिए तो टी से टी कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ए को ए लिखा, और आर, आर होता है गैस कॉन्स्टेंट, वैल्यू 8.314 ऊपर की ओर 20,000 होना, इंटू करेंगे अपना आंसर क्या आएगा जो भी आ रहा है 232790 जूल, इंटू करने में देख लीजिएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल में आ जाएगा आंसर, तो 232790 किलो जूल, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और इसी के बाद 4.26 के बाद में 4.27 क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, 4.27 राइट, उसमें क्या दे रखा है वो देखिए, 4.27 क्वेश्चन नंबर राइट, 4.27 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 गिवन बाय दिस वन, रेट कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10^4 केल्विन बाय टी, ये आपको जो है इक्वेशन दी है और क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट ई ए, हमें क्वेश्चन बोला है एक्टिवेशन एनर्जी में फाइंड करना है पहला क्वेश्चन, वन मोर एंड एट वाट टेम्परेचर विल बी इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट, एट वाट टेम्परेचर, एट वाट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम विल बी 256 मिनट, हाफ लाइफ टाइम जो है 256 मिनट हो जाएगी, वो किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करते हैं अपन लोग, तो ये जो इक्वेशन है ये अर्हेनियस इक्वेशन के टाइप की ही है, अर्हेनियस इक्वेशन कैसी थी अपनी, के इजकल टू ए टू पावर माइनस ए अपन आर टी था, लॉग लिया था अपनों ने, लॉग के इजकल टू लॉग ए प्लस लॉग ई टू पावर माइनस ई अपन आर टी हुआ था। ठीक है, चलो पावर को अगला आए थे, लॉग 10 बनाया था, 2.33 बना था, 2.33 लॉग 10 बनाएंगे तो, और जब 2.33 डिवाइड कर दिया 2.3 आया था, तो लॉग 10 के इजकल लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आपकी अर्हेनियस इक्वेशन होती है, और ये और वो एक जैसे ही, लॉग के ये जो है वैल्यू लॉग ए की है, माइनस को और ये माइनस, दोनों को माइनस छोड़ दो, ये अपना कितना है 1.25 इंटू 10^4 के बाई टी इजकल टू, ये कितना है ई ए अपॉन 2.303 आर टी, जब टी से टी कैंसिल होगा ये टी हटेगा तो के भी क्या होगा हट जाएगा, तो ई ए की वैल्यू कितनी है इसका इंटू कर दो, जब 1.25 इंटू 10^4 इंटू 2.303 इंटू ई आर, आर आर क्या होता है गैस कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314 लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे 8.314, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई ए, इंटू कर लेंगे आप लोग। चलिए इंटू कीजिए, कितना आ रहा थोड़ा देखो,
चलो करंट तो कितना आ रहा है, तीनों का इंटू किया, ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर फोर जूल, ठीक है। चलिए तो ये वाला पार्ट आप लोग थोड़ा देखिएगा, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में हम लोग इसको प्रिफर नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो अपन लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना इस टाइप की अगर क्वेश्चन आती है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, इसको अपन देख लेंगे, समय बहुत कम बेटा ना। चलिए क्लियर है, चलिए इजी पार्ट है, शॉर्ट में हो जाएगा। मैं फिर भी इसका एक डायरेक्शन आपको देता हूं, टी आपको फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाय के। तो यहां से क्या देगा, टी आर दे रखा है, यहां से के क्यू निकालना, इस के क्यू ने को यहां लिखना, उससे टी निकलेगा आपका, है ना। हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम से के क्यू ने निकाल के यहां के क्यू ने निकलेगी, के क्यू ने यहां रखेंगे अपन लोग तो टी निकल जाएगा, ठीक है।